अच्छा ये मुंबई गई थी जब बहन? तो दोस्तों ये मथुरा मिली थी जब, हमारी बहन का फोटो है ठीक है जी। ये देख लो भाइयों, ये ऊपर छोटी सी कौन सा ये है रेनू का, देखो भाई छोटी सी का। ये कितने साल की होगी आंटी? डेढ़ महीने की थी। डेढ़ महीने की? अच्छा अच्छा। ये देखो भाई योगी। नमस्कार भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान योद्धा में ठीक है जी। और आज हम पहुंचे हैं रेणुका पवार बहन के घर पे, जो कि बहन ने 52 गज का झूमर मटक चलूंगी सॉन्ग बनाया था। सॉन्ग बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था भाइयों, और एक किसान की लड़की है भाइयों। अंकल जी से बातचीत भी करेंगे। फिलहाल बहन घर पे नहीं मिली क्योंकि बहन जाती रहती है अक्सर शूटिंग वगैरह में, अंकल जी बता रहे हैं ठीक है। ये हमारी बहन का घर है, रेणुका पवार बहन का ठीक है जी। देख लो दोस्तों, और दोस्तों इधर से मैं लेके जाना चाहूँगा आपको। यहाँ पर स्कूटी खड़ी है अंकल जी की ठीक है जी। ये देख लो भाइयों, तो दोस्तों इधर से मेन एंट्री है। तो हम पहुँचे बहन के घर पर, और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो मेरी कुछ बहनें हैं वो प्रेरणा ले बहन से। और कोई यहाँ पे देख सकते हो भाइयों, ये है हमारी बहन रेणुका पवार। ये कोई सॉन्ग है बहन का, और ठीक है जी भैया से मिलवाऊंगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये खाटे हैं जी। और नमस्कार अंकल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान योद्धा में। नाम जाना चाहूँगा, शुभ नाम? वीरेंद्र सिंह। पिताजी का नाम अंकल जी? श्री भवर सिंह। अच्छा अच्छा दोस्तों, ये अंकल जी हैं। तो अंकल जी बताइए आप क्या करते हो, थोड़ा जी ये बताइए हमें। मैं तो प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो बहन तो अक्सर कम ही रहती है घर पे है ना? हाँ। तो दोस्तों हम भैया से मिलवाएंगे, उनसे पूछेंगे ठीक है जी। आज हम बहन के घर पे पहुंचे, और दोस्तों मैं तो ये चाहता हूँ जो मेरी बहन बेटी है इनसे कुछ सीखा है बहन से। जब ये बहन कर सकती है आप भी कर सकती हो ठीक है भाइयों। आज हम पहुंचे हैं हमारी बहन रेणुका पवार के घर पे ठीक है जी। और अंकल जी से बातचीत की, बहुत ही अच्छी इंसान है बहन। तो कभी कभी आती है घर पर, और अक्सर वगैरह शूटिंग वगैरह में रहती है ठीक है जी। यहाँ से देख सकते हैं हमारी बहन का घर है ठीक है भाइयों। जब आएगी कभी बहन, हम बहन से मिलवा देंगे ठीक है जी। और हम आपको बहन के जो शील्ड वगैरह है, कुछ अवार्ड वगैरह है जो कि बहन को सम्मानित किया है, वो हम आपको दिखाऊंगा अच्छे तरीके से ठीक है जी। ये है ना? अच्छा अच्छा, तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये हमारी बहन के देखो कितने सुंदर सुंदर फोटो है जी। ये देख लो भाई, इधर साइड से ये देखो यहाँ पे, ये है ना भैया? ये तो हैं बागेश्वर धाम बाबा जी। हाँ अच्छा, वहाँ भी कितनी बहन? देखो दोस्तों ये कुछ हमारे बहन के अवार्ड्स हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तो अंकल जी बाहर मिलेंगे कहीं हैं है ना? देखो दोस्तों ये सारे के सारे जो है हमारी बहन को बाहर मिले हुए हैं ठीक है जी। ये देखो दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे घंटा भी है जी, और यहाँ पे जस्ट पीछे हमारी बहन है जी। ये देखो भाइयों ठीक है जी, ये देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक जनवानी के नाम से एक बागपत का ये पुरस्कार है जी, ये भी मिला है। और वहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ में, जो कि वहाँ से बुढ़ाना से बिलोंग करते हैं, इनका परिचय मैंने आपको करवा दिया था एक बार ठीक है जी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उत्तर कुमार जी के साथ में जो कि देहाती फिल्म बनाते हैं, देखो दोस्तों। और ऊपर ये जिंदगी कुछ वो किए होंगे शॉर्ट मूवी है ना? अच्छा अच्छा, ये अक्षय कुमार है गोविंदा जी। देखो दोस्तों ये गोविंदा जी हैं, ये मुंबई में हुई होगी मुलाकात है ना आंटी? हाँ जी, घर पे। अच्छा देखो भाइयों, एक स्केच भी ये मतलब जो हमारी बहन उनके फैन ने दिया होगा ना आंटी? हाँ। देखो दोस्तों कितना सुंदर स्केच है, ये सब उन्होंने दे रखे। अच्छा अच्छा, ये वाला? ये वाला। अच्छा अच्छा, और एक 52 गज का हो रहा दोस्तों ठीक है जी। देखो कितने सुंदर सुंदर फोटो है, और मैं तो ये चाहता हूँ जो हमारी बहन बेटे है इस बहन से कुछ प्रेरणा ले, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े और माँ बाप का नाम रोशन करे। ये देखो दोस्तों यहाँ पे बजरंग बली जी की देख सकते हैं आप सभी, ये किधर? अच्छा अच्छा, ये देखो भाइयों, ये सारे के सारे अवार्ड है ये। अच्छा ये जिला कृषि, अच्छा ये दिया था। देखो दोस्तों अभी गई थी, अंकल जी बता रहे हैं ठीक है जी। देखो कहीं कप पे फोटो, और देखो भाई कितने सुंदर सुंदर अवार्ड वगैरह बहन को मिले हुए हैं। ये देखो भाइयों ये फोटो भी, ये बहन का छोटे से का फोटो है क्या? नहीं तो वो। अच्छा अच्छा, ये देखो दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो आंटी हेमा मालिनी है ना ये? हाँ, हेमा मालिनी। अच्छा ये मुंबई गई थी जब बहन? तो दोस्तों ये मथुरा मिली थी जब, हमारी बहन का फोटो है ठीक है जी। ये देख लो भाइयों, ये ऊपर कौन सा ये है रेणु का, देखो भाई छोटी सी का। तो देख सकते हैं ये आंटी, आंटी आपको कैसा महसूस होता है आपकी लड़की ने नाम कमा दिया? अच्छा, तो बहन को शुरू से शौक था मतलब इस लाइन में, मतलब जो छोटे बच्चे से होता है? उसको बचपन से ही शौक था। गाने पाने का है? उसको डांस का शौक था, फिर डांस ही। अच्छा डांस नहीं है। अच्छा अच्छा, तो आंटी जैसे मतलब शुरू हुआ जो सॉन्ग बनाया था, उस सॉन्ग का नाम याद है आपको कुछ? क्या? सोनियो।
अच्छा, उसके बाद ये फिर कौन सा गाना आया था आंटी? बहुत सारे गाने आए। अच्छा अच्छा, और ये 52 गज का जो झूमर है, इसे इसमें आप भी डांस कर लेते हो? अच्छा अच्छा, तो देख सकते हैं दोस्तों, मतलब सभी से मिल चुकी है। ये हमारी बहन का चैनल है आंटी, रेणुका सिंगर है ना, पवार के नाम से भाई, रेणुका पवार, ये लाइव अपडेट्स इस नाम से है। ये मिल चुका है अवार्ड बहन को यूट्यूब की तरफ से। ये देखो भाइयों, ये गोल्डन है जी, 10 लाख फॉलोवर है बहन के, ठीक है जी। और भाइयों बहुत खुशी होती है कि जब ये लड़की कर सकती है तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये सारे के सारे बहन को देख सकते दोस्तों। यहाँ पे देखो भाइयों, ये भरा पड़ा है कमरा जी, ठीक है जी। और ये भैया, ये बड़े वाले भैया छोटे वाले? अच्छा अच्छा, तो एडिटिंग वगैरह कौन करते भैया? सब मैं देखता हूँ। आप देखते हो? अच्छा अच्छा, तो दोस्तों ये रेणु कुमार के भैया है। तो आपको भैया कैसा लगा है? मतलब बस हमारी बहन है, कर रही है अच्छा, हम साथ हैं। अच्छा अच्छा, तो कुछ लाइन हमारी बहन बेटा जो और भी मेहनत कर रही है उनके लिए कुछ लाइन? दोस्तों भैया भी यही बात कहना चाह रहे हैं कि अगर आप में मेहनत है, अगर लगन है कुछ कर गुजरने के, तो आप भी कर सकते हो। जब ये बहन कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। देखो भाइयों, ये ऐसे नहीं कमाए जाते ये अवार्ड वगैरह, उसके लिए हम रात दिन मेहनत करनी पड़ती है भाइयों, ठीक है जी। ये देखो दोस्तों, अच्छा अच्छा, देखो भाइयों, तो इधर साइड में ये हमने आपको दिखाई, देखो कितने सुंदर सुंदर अवार्ड है जी, जो कि बहन को बाहर मिले हुए हैं, ठीक है। तो भैया आप ही जाते हो बाहर बहन बहन के साथ में ना, छोड़ने वगैरह में? अच्छा अच्छा, दोनों भाई जाते हैं, ठीक है जी। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही सुंदर है। और ये देखो, तो ये अंकल जी, अंकल जी आपको भी अच्छा लगता है जी? अच्छा अच्छा, तो वो कहते हैं ना घर में लक्ष्मी आ जाती है, तो जब से बहन घर में आई मतलब घर भरे पड़े हैं। देखो अच्छा अच्छा, देखो भाइयों वो बात सही है जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं, कुछ ऐसी बात होती है घर में लक्ष्मी आ जाती है तो घर के घर ही भर जाते हैं। बर्थडे है 29 तारीख का इसका। अच्छा अच्छा, बहन का? हाँ, जागरण भी है। अच्छा अच्छा, तो जागरण बर्थडे के साथ कराओगे? अच्छा अच्छा, तो दोस्तों आंटी अगर बुलाएंगे तो हम आएंगे जरूर। आ जाना तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी इंसान है। और किसान भाइयों, मैं तो ये चाहता हूँ आप अपनी जो लड़की है उसको कोई सा फील्ड हो उसको सपोर्ट करो, और वो चाहे स्पोर्ट हो चाहे कोई सा भी हो।